हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 9 इंची दीवार बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी ईंट बिल्कुल भीगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि मसाला का अगर ईंट अगर सूखी लगाएंगे तो जो मसाले का जो पानी है उसको ईंट सोख लेगी और जो मसाला है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। तो कोशिश करें बिल्कुल कि ईंट बिल्कुल भीगी हुई हो। उसके बाद जब चिनाई करें तो सोल का विशेष ध्यान रखें। सोल की कांटी ऐसे लगी होनी चाहिए बिल्कुल, और सोल बिल्कुल जहाँ से हमारी बमाई शुरू हुई है वहीं करेंगे बिल्कुल, और उसमें हल्का सा स्पेस रखेंगे बिल्कुल जीरो। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का सा स्पेस है हवा भर, और इतना ही स्पेस होना चाहिए। और ऐसे ही इधर करेंगे, इधर भी बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, और उसके बाद एक एक सूत में होना चाहिए दीवार। और उसके बाद क्या होगा कि जो जो चिनाई है हम करते हैं वो बिल्कुल ज्वाइंट के ऊपर बीच में ईंट आनी चाहिए। जैसे ये ईंट है, ये टोडा वाली ईंट है, इसको टोडा वाली ईंट बोलते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर है, यहाँ भी बिल्कुल सेंटर के ऊपर है, ये बिल्कुल सेंटर के ऊपर आनी चाहिए। बीच में ईंट आएगी तभी दीवार आपकी मजबूत होगी, और इसकी क्यूरिंग कम से कम 15 दिन तक क्यूरिंग जरूर करें, तभी जाके आपके मसाले की चिनाई सक्सेस हो पाएगी, अदरवाइज बिल्कुल यूजलेस है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।